तो दोस्तों हमने वहाँ से कैंपिंग टेंट अपना हटा दिया है क्योंकि हमें अंकल एक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है तो इन्होंने हमें समझाया कि फॉरेस्ट के अंदर बीच जंगल के अंदर है ना कैंपिंग नहीं कर सकते। ये रहे अंकल जी। अंकल जी नमस्ते। ये रहे अंकल। क्योंकि यार जंगली जानवर है ना यहाँ पर तो उनका भी खतरा होता है, इसलिए अब हम अपना सामान लेकर, देखो कितना सारा सामान है, ये सामान को लेकर जा रहे नीचे और अंकल ने हमें जगह बताई है अपना जहाँ पर इनकी चौकी है वहीं पर आज हम कैंप लगाएंगे। यार ये टेंट में ना कितना सारा वजन है और दोनों बैग ये रहे। इस टाइप जगह यहाँ थी। अच्छा इतना बड़ा फील्ड था। अच्छा जहाँ वो कर तो यहाँ फील्ड में लगा तो यहाँ लगाओ। यहाँ लगा लेंगे। यही चौकी है ये। अब यहीं लगा लेंगे अंकल। अब हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चौकी है और बच्चे ये देखो गांव भी, गांव भी कितना खूबसूरत लग रहा है। ये रहे अंकल हमारे साथ। हाँ ठीक है अंकल, यहाँ लगा लेते हैं ना। ठीक है। अच्छा यार पानी वानी की सुविधा पानी यहाँ पर नीचे। अच्छा अच्छा ये स्कूल के बगल में। ये अंकल ने बताई है, देखो ये जगह है, यहीं पर हम अपना कैंप लगाएंगे। आ रहा है पानी? आ रहा होगा। आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है ना, धीरे धीरे आ रहा है ना। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। चलो ठीक है कोई ना, इतनी अच्छी जगह देखो फील्ड भी लगी हमें और यहाँ पर पब्लिक भी रहती है तो यहीं पर आज अपना कैंप लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी हम रुके हुए हैं त्रियुग नारायण में और आज देख सकते हो आप करेले की सब्जी बना रहे हैं। यहाँ पे ये मसाले वगैरह चॉप कर दिए, ये मसाले और ये प्याज मिर्ची वगैरह एंड ये देखो टमाटर, और अभी आराम से सब्जी बनाएंगे छोटे से सिलेंडर पर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा नमक डलेगा। दोस्तों मैं भुवनेश ओलिया ट्रेवलर, मेरी संपूर्ण भारत यात्रा में आप सभी का स्वागत है और अभी हम है त्रियुग नारायण सोनपुर से 13 किलोमीटर ऊपर। हमने देखो कैंपिंग किया है और यार आज तो मौसम इतना खराब हो रहा है कि क्या ही बताऊं। देखो इतने मोटे मोटे ओले गिरे, पूरा सफेद चादर की तरह हमारा कैंपिंग टेंट यार फट ना जाए, बस इस चीज का बहुत ज्यादा डर लगा हुआ है यार। देखो ये देखो बिल्कुल सफेद चादर हो चुकी है। हे प्रभु जल्दी से इसको बंद कर दो, हमारा नुकसान ना हो ताकि हम अच्छे से यात्रा कर सके आगे। क्या बताऊं मैं यार, मतलब देख सकते हो आप यार इतने मोटे मोटे ओले गिरे हुए हैं। आज तो ये बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही यार, मुझे लगता है कहीं टेंट ना फट जाए यार। इतनी ओले देख सकते हो आप, कितना मोटे मोटे ओले गिरे हैं यार, चने से भी मोटे हैं यार, डर लग रहा है कहीं फट ना जाए। यार अपना सामान में भीजा अंदर, सामान है ना अपना। ए प्रभु प्लीज इसको थोड़ा बंद कर दो यार, खींच गया यार आज तो यार। आपको व्यू दिखाता हूँ मैं।